नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भारतीय नौसेना के लिए 5 फ्लीट सपोर्ट जहाजों के लिए हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के साथ 19,000 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने 25 अगस्त 2023 को लगभग कुल लागत पर भारतीय नौसेना के लिए 5 फ्लीट सपोर्ट जहाज FSS के अधिग्रहण के लिए हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड HSL विशाखापट्टनम के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों, 19,000 करोड़ रुपये रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ा प्रोत्साहन होगा, क्योंकि इन जहाजों को HSL विशाखापट्टनम द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया जाएगा। सुरक्षा पर कैबिनेट समिति 16 अगस्त 2023 को अपनी बैठक के दौरान इन जहाजों के अधिग्रहण को मंजूरी दी थी। दोस्तों, FSS को समुद्र में जहाजों को ईंधन, पानी, गोला बारूद और भंडारण से भरने के लिए नियोजित किया जाएगा, जिससे भारतीय नौसेना बेड़े को बंदरगाह पर वापस आए बिना लंबे समय तक काम करने में सक्षम बनाया जा सकेगा। यह जहाज बेड़े की रणनीतिक पहुंच और गतिशीलता को बढ़ाएंगे। दोस्तों, इन जहाजों के शामिल होने से भारतीय नौसेना की नीले पानी की क्षमता में काफ़ी वृद्धि होगी। जहाजों को लोगों को निकालने और मानव सहायता और आपदा राहत SDR कार्यों के लिए भी तैनात किया जाएगा। दोस्तों, 44,000 टन का फ्लीट सपोर्ट जहाज किसी भारतीय शिपयार्ड द्वारा भारत में बनाए जाने वाला अपनी तरह का पहला जहाज होगा। यह परियोजना 8 वर्षों की अवधि में लगभग 168.8 लाख मानव दिवस का रोजगार पैदा करेगी। इन जहाजों के निर्माण से भारतीय जहाज निर्माण उद्योग को एक नया आयाम मिलेगा और दोस्तों, MSME सहित संबंध उद्योग सक्रिय भागीदार को प्रोत्साहन मिलेगा। अधिकांश उपकरण और सिस्टम स्वदेशी निर्माताओं से प्राप्त होने के कारण ये जहाज सरकार के मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप आत्मनिर्भर भारत के गौरवशाली ध्वजवाहक होंगे। दोस्तों, आपको बता दें, दोस्तों इस तरह के जहाज का निर्माण भारत में पहली बार किया जाएगा, वो भी दोस्तों मेक इन इंडिया अभियान के तहत। इसके सभी कंपोनेंट और पार्ट्स का निर्माण भी भारत में ही किया जाएगा। दोस्तों, अब भारत के रक्षा क्षमता दिन प्रतिदिन अधिक ताकतवर होती जा रही है। दोस्तों, वायुसेना में देखो, नौसेना में देखो या आर्मी में देखो, मेक इन इंडिया पहल के तहत हथियारों का निर्माण किया जा रहा है। और दोस्तों, भारतीय नौसेना में तो और दोस्तों जिस प्रकार से वायुसेना में एयर टू एयर रिफिलिंग की जाती है, उसी प्रकार से इन सपोर्टिंग शिप का उपयोग C2C में रिफिलिंग की जाएगी। दोस्तों, बिना बंदरगाह पर आए जहाज की रिफिलिंग पानी में ही कर दी जाएगी इस जहाज के द्वारा। तो दोस्तों, युद्ध के समय या युद्धाभ्यास के समय, और या भी हमारे युद्ध पोत अलग कार्य कर रहे हो और दोस्तों उनको ईंधन की आवश्यकता है, उनको खाद्यान्न की आवश्यकता है या उनको गोला बारूद की आवश्यकता है, तो यह सभी आवश्यकता यह जहाज पूर्ण करेगा। इसलिए दोस्तों इन जहाज का नाम सपोर्टिंग फ्लीट है। और दोस्तों, राहत और बचाव कार्य में भी इनका उपयोग किया जा सकता है। अगर किसी भी जगह बाढ़ जैसा माहौल हो जाए तो दोस्तों वहां से लोगों को निकालने में, इस इधर से उधर पहुंचाने की सारी सुविधाएं इस जहाज में है। क्योंकि दोस्तों, इस जहाज से दूसरे जहाज में रिफिलिंग करते हैं तब भी दोस्तों इनमें वो सुविधाएं सारी होती हैं। और दोस्तों, ये जो जहाज गोला बारूद, खाद्यान्न और लेके आता है, तो दूसरे जैसे फ्रिगेट या कॉर्वेट या डिस्ट्रॉयर या सबमरीन में सामान भेजने की इनके पास टेक्नोलॉजी होती है। दोस्तों, ये लिफ्ट के द्वारा रस्सी से बांधकर सभी सामान को, भंडारण को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आराम से या इस जहाज से उस जहाज में भेज सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम टर्की के साथ जॉइंट वेंचर करके इन सपोर्टिंग फ्लीट का निर्माण करना चाहता था। पर दोस्तों, जिस प्रकार टर्की की भारत ने मदद की, भूकंप के समय हमारी सेना को भेजा, उसके बावजूद भी टर्की ने यूनाइटेड नेशन में कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तान के सपोर्ट में उठाया। इसको देखते हुए दोस्तों टर्की के जॉइंट वेंचर की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया गया। और क्योंकि दोस्तों इस अभियान को मेक इन इंडिया के तहत निर्माण किया जाना है, तो अगर कुछ आवश्यकता होगी तो दोस्तों नवंतिया ग्रुप या फ्रांस की कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करके इसको पूरी तरह से मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही निर्माण किया जाएगा। अब दोस्तों, नौसेना में भी किसी भी तरह के जहाज, फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर, सबमरीन का निर्माण किया जा रहा है तो हमारे कंपनियों के द्वारा ही किया जा रहा है। अगर कुछ टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है तो हम बाहरी कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर करके उस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करके भारत में ही निर्माण कर रहे हैं, जिससे दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा भारत में रोज़गार उत्पन्न हो रहे हैं, कंपनियों को भी काम मिल रहा है। आप सोच सकते हो, 44,000 टन
दोस्तों हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर भी 40,000 टन का है, तो आप सोच सकते हैं कि ये 44,000 टन का भार वहन करके ले जा सकता है। तो दोस्तों इसको बनाने के लिए कितने पार्ट्स, मटेरियल, धातु, मिश्र धातु की आवश्यकता होती है, तो इसके लिए भिन्न भिन्न कंपनियों को ऑर्डर दिया जाता है और वो ऑर्डर के तहत कंपोनेंट और पार्ट्स और मटेरियल भारत में ही निर्माण किए जाते हैं। और दोस्तों इनको निर्माण करने के लिए लोगों की आवश्यकता होती है, जिससे दोस्तों रोजगार उत्पन्न होता है और भारत इसी वजह से अब तरक्की कर रहा है। मुझे लगता है दोस्तों पूरा वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। पूरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमारी नौसेना का मनोबल बढ़ाएं। जय हिंद दोस्तों।